मेरा नाम डॉक्टर फजल बंदान है। वालदैन में वालदा का जो रुतबा और मुकाम अल्लाह ताला ने बख्शे है ना, उसका बदल कोई मुकाम नहीं बख्शे। अल्लाह ताला उसी लबासम के बाद जो कुछ है वालदा का है। उनकी अजमत और शान ऐसी है कि अगर आप हदीसी देखें तो ये साहबी आए आसम के पास, उन्हें कोई मुश्किल रख दी, इसी तो आसम खुद भी दुआ कर सकते थे। फिर आसम ने पूछा कि तुम्हारी वालदा, तो उन्हें कहीं उनका इंतकाल हो गया था। आसम ने पूछा उस कब्रिस्तान का पता, उनकी कब्र का पता कहने के नहीं। तो आसम ने पूछा कि उस कब्रिस्तान का पता जहाँ दफनाया हुआ, कहने हाँ। तो आसम फरमाने लगे कि वहीं जाके दुआ कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादें पूरी कर दे। अब दुनिया भी तो अभी आप देखें ना कि दुनिया में वालदा मिलती है, ज़ाहिर है एक खास टाइम तक मिलती है इंसान, तो उनकी जितनी खिदमत करें उतना अपना ही फ़ायदा, वालदा को क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पास वो खुश हो जाए। मैं जब छोटा था तो मैं अपनी वालदा के साथ उनके साथ घर में झाड़ू तपड़ी ये सारे काम, छोटे छोटे बर्तन धोना कपड़े धोना ये भी मैं करता था। वालदा मेरी बीमार थी जैसे मैंने वो संभाला, और हम जब वो मेरे अकेले के बारे में कहते कि मेरा एक बेटा साथ बेटियों को रखा, मेरी कोशिश होती थी कि रजा ना उन्हें, जो मैं उनके साथ मैक्सिमम काम कर सकता हूँ वो करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र है उनकी दुआओं से सौ माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन इंशाअल्लाह, और ये दुआएं हमेशा और हर जहान में काम आने वाले इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको वालदैन की कदर करने की तौफीक बख्शे, उनके पर्दा करने के बाद उनके लिए सारे सवाब की तौफीक दूर करें।